ये कहानी है राधिका की, जो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी। वो हर रोज मंदिर जाती और कृष्ण की पूजा किया करती। कहने को तो राधिका का विवाह हो चुका था, लेकिन वो अपने ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वहाँ उसकी सास और उसका पति दोनों उस पर अत्याचार करते थे। दोनों उसे मारते, पीटते और उसे रोज सताते। राधिका का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को ही अपना बना लिया और उनकी भक्ति में रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और सारे दिन भजन कीर्तन करती। राधिका अनाथ थी, उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए शायद उसके ससुराल वाले उस पर ज़्यादा अत्याचार करते थे। बिना किसी वजह उसे डांटते, उसे रुलाते रहते। हमेशा की तरह आज भी वो मंदिर गई थी और मंदिर में जाते ही उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। उसे डरा धमका कर उसके सारे गहने लूट कर वो लोग भाग गए। अब तो राधिका और भी ज़्यादा डर गई, क्योंकि अगर वो घर जाती और उसके पति और सास को ये बात पता लगती तो उसे वो सहारा देने के बजाय बल्कि उस पर और अत्याचार करते, उसे मारते और पीटते। इसी डर से राधिका घर जाना नहीं चाहती थी। इसी डर से वो आज घर नहीं जाती और वहीं मंदिर में रुक जाती है और अपने कान्हा जी से कहती है कि कान्हा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम मेरी? मेरे जीवन में क्या पहले ही दुख कम है जो मुझे और दुख दे रहे हो? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु। मेरे पति और मेरी सास मुझे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। मैं वापस घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मैं वहां गई तो फिर से मेरे साथ यही होगा। आप कुछ करते क्यों नहीं है प्रभु? मैं आपकी दिन रात भक्ति करती हूँ, क्या मेरी भक्ति का आप मुझे यही फल दे रहे हैं? वो बेचारी रोने लगती है और रोते रोते वहीं मंदिर पर ही सो जाती है। और वहीं दूसरी ओर राधिका का पति और उसकी सास उसे ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, राधिका अब तक घर नहीं आई थी। उन्होंने राधिका को सब जगह ढूंढा, लेकिन राधिका उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर उसकी सास कहती है कि मुझे पता है वो करमजली कहाँ गई होगी, वो यहाँ कहीं तो है नहीं। इसका मतलब तो यही है कि वो जरूर मंदिर गई होगी, वहीं जाकर के अपना दुखड़ा रो रही होगी। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आज तो उसकी हड्डी पसली एक कर कर ही मानूंगी मैं। उसकी बात राधिका का पति भी बोल पड़ता है, हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, इस लड़की के बहुत पर निकल आए हैं। आजकल ना तो ये हमारा कहा सुनती है और अब तो इतनी हद हो गई है कि ये रात रात बाहर रहने लगी है। आज मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो राधिका को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं कि राधिका वहीं मंदिर के फर्श पर सो रही है। राधिका उठो, ये क्या बदतमीजी है। राधिका अपने पति की आवाज सुनते ही एक पल में उठ जाती है। आप दोनों यहाँ इस मंदिर में? हाँ, क्यों, कहाँ होना चाहिए था हमें? नहीं, वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक घर पर नहीं आई। जी वो मैं डर गई थी, आज मेरे साथ एक हादसा हो गया, कुछ गुंडों ने मिलकर के मेरे सारे जेवर लूट लिए और उसके बाद भाग गए। मैं डर गई थी कहीं ये बात आपको पता लगेगी तो आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। अरे हाँ, तुम्हारे जेवर कहाँ है? इसका मतलब तुमने हमारे सारे जेवर लुटवा दिए। मेरी माँ का दिया हुआ खानदानी हार वो कहाँ गया? मैं उस हार को मंदिर में भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए लेकर आई थी, लेकिन वो भी चोरी हो गया है। तुमने हमारा खानदानी हार चोरी करवा दिया, इसकी क्या जरूरत थी, उसे घर पे क्यों नहीं रखा? वो माँ जी का खानदानी हार था, उनके आशीर्वाद स्वरूप, इसलिए मैंने सोचा कि माँ के आशीर्वाद के साथ साथ मुझे मेरे कृष्णा का आशीर्वाद भी मिले, बस इसीलिए मैं वो हार मंदिर में लेकर आई थी। अब तक तो उसके पति के गुस्से का पारा आसमान पर पहुंच चुका था। राधिका का पति उसे मारने के लिए एक डंडा लेकर आता है और जैसे ही वो उसे मारने ही वाला था, मौसम बदलने लगता है, हवाएं चलने लगती हैं, धुआं चारों ओर फैलने लगता है और बिजली के कड़कने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर तूफान आने ही वाला हो। तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जा मूर्ख, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, आज तेरा सर्वनाश होगा। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण उन्हें नजर आते हैं। तुमने मेरी परम भक्त राधिका को बहुत सताया है, मैं अब तक इंतजार कर रहा था कि शायद तुम लोग सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, तुम लोग नहीं सुधरे, बल्कि तुमने मेरी भक्त राधिका पर और भी ज्यादा अत्याचार किए, अब बहुत हुआ। श्री कृष्ण अपने विकराल रूप में आ जाते हैं, हाथों में त्रिशूल लिए। तभी राधिका बीच में आती है और कहती है, नहीं नहीं कृष्णा, ऐसा मत करना, क्या तुम अपने भक्त के सुहाग को स्वयं अपने हाथों से उजाड़ोगे?
माना कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या उस गलती की सजा मृत्यु होनी चाहिए? शांत हो जाइए प्रभु और इन्हें माफ कर दीजिए। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, देखा तुमने राधिका का हृदय कितना कोमल है। तुम्हारे इतने अत्याचार सहने के बाद वो तुम दोनों की जान बचाना चाहती है। वो चाहती तो तुम्हें दंड भी दे सकती थी। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी तुम्हारे पापों का दंड दे सकता हूँ, लेकिन राधिका नहीं चाहती। बस इसी कारण तुम अभी तक जीवित हो, वरना तो तुम्हें मैं कब की मृत्यु दे चुका होता। उसके बाद राधिका का पति और उसकी सास श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम वादा करते हैं आज के बाद हम राधिका के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ प्रभु, माँ सच कह रही है। आज के बाद मैं भी राधिका पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बस एक बार हमें क्षमा कर दीजिए। उसके बाद श्री कृष्ण उन्हें क्षमा कर देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण राधिका को रोक लेते हैं। राधिका, तुमने मेरी भक्ति हमेशा सच्चे मन और सच्ची भावना से की है, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? प्रभु, मुझे तो आपने अपने दर्शन दिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। भला एक भक्त के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि उसे उसके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएं। मुझे तो आप सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है राधिका, लेकिन आज मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि एक वरदान भी देना चाहता हूँ। तुम जब भी मुझे सच्चे दिल से पुकारोगी तो मैं अवश्य आऊंगा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद राधिका भी वापस अपने घर चली जाती है। और आज के बाद राधिका की सास और उसका पति भी उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करते, बल्कि वो अब उसके साथ अच्छे से रह रहे थे। अब राधिका भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी।